हेलो दोस्तों, मम्मा ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो गला होता है आगे का, वो पीछे की तरफ क्यों जाता है। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए नॉर्मल सा एक कपड़ा लिया है। नीचे की लंबाई कुछ भी हो, आपको सिर्फ इधर ध्यान देना है और ये चीज़ आपको समझनी है। तो दोस्तों क्या होता है, जो गला हमारा पीछे जाता है उसकी जो वजह मैंने अभी तक देखी है, क्योंकि मेरे कस्टमर के साथ भी ये चीज़ आ जाती है, तो हम उसे कैसे ठीक करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसे जरा ध्यान से देखें, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि किसी किसी की आदत होती है गला छोटा पहनने की, यानी कि सर जो उनका होता है, जैसे ये हेड है हमारा, ये हेड होता है, किसी किसी के हेड में आने के लिए हमें तकरीबन 6 इंच का गला चाहिए कि हमारा सर से आराम से उतर जाए। पीछे का गला कई लोग 4 इंच का बना लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, गला जो है ना ज़्यादा चिपका होने के कारण, यानी बिच्चा बिच्चापन होने के कारण गला जो है इस तरीके से चढ़ता है, ऐसे ऐसे चढ़ता है, फिर वो इस तरीके से ठीक करते रहते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि बहुत से कस्टमर आते हैं कि ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो वो क्यों होती है, देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, चाहे वो हल्का साइज़ हो चाहे वो आपका हैवी साइज़ हो, गले की जो डीपनेस होती है आपको एक हिसाब से पहननी है। 6 इंच तक हल्के साइज में ओके है, लेकिन अगर हैवी साइज़ में आप 6 इंच बना रहे हैं, जैसे मान लो आपका साइज़ है 50 इंच और आप 6 इंच पहन रहे हो, तो ऐसा नहीं है 6 इंच आपका ये गला चढ़ेगा और आपका गला जो होगा ना, क्योंकि इसमें तीरे से लेकर हर एक चीज़ सही होती है, तो ये चीज़ आपके ऊपर चढ़ेगी। तो इसमें तकरीबन आप गले की डीपनेस का मतलब 7 या 7.5 रखें। अब ये आप 6 इंच रखोगे तो ये चीज़ आपकी चढ़ेगी ही चढ़ेगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को हम नोट कर लें। और एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगा कि भाई छोटा गला अगर है चढ़ रहा है तो बोट नेक क्यों नहीं चढ़ता। तो दोस्तों देखिए, बोट नेक का एक अलग हिसाब होता है, बोट नेक आपका इक्वल बनता है आगे और पीछे एक बराबर, ठीक है। इसमें क्या है, हमने आगे का गला तो रख लिया 6 इंच का, पीछे का हमने बना दिया 4 इंच का, तो ये कोई हुआ नहीं कंट्रास्ट, ठीक है। और कभी भी आप देखना कोई कॉलर वाली कमीज होगी, तो अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि कॉलर वाली कमीज का गला ऊपर चढ़ता है, क्योंकि अगर कॉलर वाली कमीज में आप 6 इंच का गला बनाओगे तो दोस्तों ये जो सर होता है ना हमारा, ये सर आएगा ही नहीं। तकरीबन इसके लिए 7 इंच के आसपास हमें ओपन करना होता है, और जब हम 7 इंच के आसपास ओपन होने का सर आ जाता है तो वो दोस्तों ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। तो आपको एक लिमिटेड जो है ना गला बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। हल्के साइज में 6 इंच आप कर सकते हो, लेकिन हैवी साइज में 6 इंच नहीं चलेगा, यानी कि आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग गले का डीपनेस रखना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि अगर चलो डीप है तो आप इसके फैलावट जो आप रखते हो 3 इंच, आप इसको 2.5 कर लो हल्के साइज में, हैवी साइज में आप जैसे मान लो इसे 2.75 कर लो, ये कर सकते हो। लेकिन आपको जो डीपनेस है इतनी रखनी है कि आपका गला ऊपर ना चढ़े। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर फिर भी किसी की ये प्रॉब्लम नहीं जाती तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप देखोगे किसी किसी के शोल्डर उठे हुए होते हैं, ठीक है, किसी किसी के बैठे हुए होते हैं, बहुत सा फर्क होता है, किसी का गला आगे की तरफ गिरता है, ठीक है, किसी का ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप करोगे। मान लो ये आपका फ्रंट है, तो ये आपने बैक वाला पल्ला ले लिया, इसको हम बिल्कुल एक बराबर बिछाते हैं, और आपको मैं जो चीज़ सिखाऊंगा आप जरा ध्यान से देख लें। इसको एक बराबर ऐसे बिछा लिया हमने, ठीक है। अब बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, हम इसको अगर बैक गला ज़्यादा ही हमारा हैवी साइज़ है तो हम इसे 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये निशान लगाने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे ऐसे। कटिंग करने के बाद ये आपकी कटिंग हो गई। अब यहाँ से आपको जितना एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे एक निशान लगा लें, क्योंकि यहाँ के बराबर से अलग हिसाब हो जाता है, आपको इस तरीके से निशान लगाना होगा। फिर आप इसको चाहे आपका कैसा भी साइज़ हो इस तरीके से ही निशान लगा के लेना है और ये कटिंग कर लेना है। हल्के साइज़ में आप इसको 1/2 इंच उठा के कटिंग कर लें तो भी आपका ये बिल्कुल ओके रहेगा, ठीक है। और गला याद रखें आपका ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, सबसे मेन चीज़। दूसरा, अगर बड़ा रखने के बाद भी गला जा रहा है तो आपको इस तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या सिचुएशन आ जाती है, जब आप इसको ऐसे जोड़ लोगे तो सबसे पहले तो आपका जो सेंटर बनेगा बाजू चढ़ाने का, वो बैक पल्ले में बनेगा 1/2 इंच के आसपास, जब आप एक पैर उठा के 1 इंच उठा के कटिंग करोगे। और जो हम आर्महोल लेंथ रखते हैं किसी में भी, जैसे 7 इंच रखी है लेकिन उसमें आपका गला बैक मतलब बैक पल्ला उठा के कटिंग करना है, तो आप 7 इंच से यहाँ पे 7.5 या 6.5 को कटिंग करेंगे इस तरीके से। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गला काट के दिखा रहा हूँ, ये आपको पहले निशान लगाने हैं, क्योंकि हम जो बैक पल्ला ही उठा के कटिंग करते हैं दोस्तों, ये आला आर्मोल हमारा बढ़ जाता है, तो हमें इस चीज़ पर भी नोट करना है। तो हम यहाँ पे 7 इंच जगह 6.5 पे रखते हैं अगर हम बैक गला उठा के कटिंग करते हैं, और आपको इस तरीके से ये कटिंग कर लेना है, ठीक है, ऐसे कटिंग कर लेना है। फिर ये आपका एक बराबर यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, ये देखो
ये आपका ऐसे दिखेगा। मैं आपको इक्वल करने के लिए ऊपर से ही कटिंग करके दिखा देता हूँ, यानी कि आपको ये आर्म लेंथ कम करनी पड़ेगी, इस चीज़ का आपको नोट करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म होल आपकी बाजू में भी ज़्यादा चढ़ जाएगा, वरना ऐसा होगा बैक वाला उठा के कटिंग करोगे तो ये वाला हिस्सा आपका बढ़ जाएगा, जो कि बाजू से कभी भी ये हिस्सा आर्म होल कभी भी कमीज का बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होगा तो वो आप यहाँ से कटिंग करके बढ़ा सकते हो, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी हर कटिंग में ये चीज़ समझाता हूँ। तो दोस्तों दो चीज़ जो अभी तक मैंने नोटिस की है वो यही होती है कि एक आपका गला छोटा होना, और अगर ऐसा गला डीप होने के बाद भी आपका जा रहा है तो हल्के साइज में आप ये आधा इंच उठा के काटें बैक पल्ला, और यहाँ पे जो आप आर्म लेंथ जैसे कि आपने रखी है 7 इंच तो आप इसको 7.5 कर लें, और हैवी साइज में आपको 1 इंच उठा के कटिंग करनी है, और जो आपने यहाँ पे 7 इंच कटिंग करी है आप उसे 6.5 कटिंग करें, ठीक है। इस तरीके से करना है, यानी 1 इंच में आपको आर्म लेंथ यहाँ पे 0.5 इंच कम करनी है, और जब आपका ये हल्के साइज में आप 0.5 इंच उठा के कटिंग करेंगे तो उसमें आपको एक पैर करनी है, जो कि इतना होता है 2 से ये वाला हिस्सा एक पैर। तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से यहाँ पे आर्म लेंथ कम करनी है, जिससे कि आपके बाजू का मुड्ढा ओके चढ़ जाए। दोस्तों ये तो अभी नॉर्मल सी चीज़ है, आप इस अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके देखें, और आगे आने वाले टाइम में मैं भी ये चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि जिन कस्टमर की या किसी हमारे आस पड़ोस में है कई ऐसी लेडीज जिनका गला पीछे की तरफ जाता है, तो मैं ये उस पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ 1-2 सूट बना के क्या वजह है जिसकी वजह से पीछे जाता है, क्योंकि हमें भी रिसर्च करना पड़ता है, ऑल्टरेशन देखनी पड़ती है। एक अभी आने वाली वीडियो में ये भी आपको मैं बताऊंगा, ये तो गला पीछे चढ़ने की हो गई। एक होता है जिसके अंदर गला आगे की तरफ गिरता रहता है, यानी कि कईयों के कंधे इतने उठे होते हैं कि गला ना आगे की तरफ इस तरीके से झुकता रहता है, तो उसकी भी सॉल्यूशन आने वाली वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो दोस्तों जो चीज़ आपको अभी यहाँ पे बताई है आप इसे नोट करके जो भी ऑल्टरेशन है वो आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बुटीक में इसी तरीके से बनाता हूँ, जिनका गला बैक पीछे जाता है वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।